हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एलेवेंथ का ये चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 5। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक लिखा हुआ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, इवन दो एंजियोस्पर्म्स शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, दे आर ऑल कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसके पहले चैप्टर्स के बारे में दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है हमने, वो भी कवर करेंगे हम आगे वाले सक्सेसिव लेसन्स में, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस जो हैं सारी, वो हम आज यहाँ पर कवर करेंगे इसमें, इस चैप्टर के अंदर जो भी दी हुई है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर यही सब दिया हुआ है, स्टेम, रूट्स, लीव्स और इन सब पार्ट से क्या डेवलप होते हैं। तो रूट के बारे में दिया हुआ है, तो जो डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट्स होते हैं, तो उनका डायरेक्ट एलोंगेशन हो जाता है इसका रेडिकल का, है ना। तो उससे फॉर्मेशन होती है रूट, प्राइमरी रूट जिसको हम कहते हैं, सॉइल के अंदर वो, ठीक है ना, ग्रो करती है। प्राइमरी रूट नीचे जाएगी, है ना, स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करेगी और रूट नीचे की तरफ। फिर लैटरल रूट्स होती हैं, है ना, वो सेकेंडरी टर्शरी अलग अलग, ठीक है ना, ऑर्डर की, मतलब जो पहली जो डेवलप होगी प्राइमरी रूट, उसके अंदर से फिर निकलेंगी, लैटरली ग्रो करेंगी सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स, ठीक है। तो जो प्राइमरी रूट्स हैं और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, वो टैप रूट सिस्टम को कंस्टिट्यूट करती हैं। इनको प्राइमरी रूट्स और उसके ब्रांचेस को हम टैप रूट भी कहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट में टैप रूट होता है, ठीक है। अब जो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं, तो उसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय के लिए बनती है, उसके बाद क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाती है मल्टीपल रूट्स से, ठीक है, बहुत सारी रूट्स बन जाती हैं, ठीक है, और वो सिंगल जो रूट होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मोनोकोटिलेडन्स में होती है, ये बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे इस वाली का, है ना, नाम क्या था, टैप रूट, वैसे इसका फाइब्रस रूट नाम है ना। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, जैसे कि वीट प्लांट में होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास, ठीक है, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, ये जो प्लांट्स होते हैं, तो उसमें रूट्स कहाँ से राइज होती हैं, रेडिकल के अलावा भी, है ना। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैनियन ट्री में रेडिकल से नहीं डेवलप होती है रूट्स, तो उसको क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। जो मेन फंक्शंस होते हैं रूट्स के, वो क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर्स का, मिनरल का, है ना, सॉइल से वाटर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन कर लेता है और प्लांट्स को, ठीक है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रिजर्व की तरह भी एक्ट करता है, फूड मटेरियल, ठीक है ना, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी सिंथेसाइज करता है। ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है फ्लावरिंग प्लांट का, ये तो फ्लावर है, ठीक है ना, फिर इसमें फ्रूट डेवलप हुए हैं, स्टेम है, लीफ है, तो ये ऊपर वाला पार्ट इसको शूट कहते हैं पूरा, ठीक है ना, बड है, नोड है, इंटर नोड है, और जो सॉइल के नीचे है उसको क्या कहेंगे, रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट और ये सेकेंडरी रूट, ठीक, और ये एडवेंटिशियस रूट है ना, रेडिकल से इसमें डेवलप नहीं हुई है जो रूट, इसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। ये मेन रूट है, उसमें जो साइड में डेवलप हुए लेटरल्स कहते हैं, और ये फाइब्रस रूट जो मोनोकोटिलेडन्स में होती है, उसका डायग्राम। अब रीजन्स ऑफ द रूट, ठीक है, द रूट इज कवर्ड द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो सबसे जो टॉप में होता है, टॉप मतलब इसमें बॉटम होगा क्योंकि रूट नीचे ग्रो करती है, तो वो कवर होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं रूट कैप, ठीक है ना। तो ये अपेक्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, और इसका वे बनाता है, एक रास्ता बनाता है, मतलब आस जो भी स्ट्रक्चर्स बीच में आते हैं जब प्लांट ग्रो करता है, रूट ग्रो करती है, उसे प्रिवेंट करता है ना।
फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे ग्रोथ होती है, जो कैप होती है उसके उसके जस्ट अबव मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है, यहाँ पे डिवीजन होता है जिससे ग्रो करती है रूट। तो जो इस यहाँ की जो सेल्स होती हैं बहुत ही स्मॉल होती है और थिन वॉल्ड होती हैं, उसका प्रोटोप्लाज्म जो है जो बहुत डेंस होगा, ठीक है, और ये डिवाइड करती हैं कंटिन्यूसली, ठीक। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ, ठीक है ना। मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो भी होता है वो सिर्फ लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, एलोंगेशन के लिए इसको, और उसको रीजन ऑफ एलोंगेशन इसलिए कहते हैं, ठीक। सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, फिर एलोंगेशन जोन के जो सेल्स डिवाइड जो कर रही होती हैं वो अब मैच्योर हो जाती हैं कुछ समय के बाद। प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, अब जो डिवाइड हो चुकी है वो मैच्योर हो गई तो उसको अपन कहते हैं, है ना, पहले एलोंगेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक, फिर उसके बाद जो डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर हो गया उसको बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन, फिर वहाँ से रीजन ऑफ जो मैच्योर हो चुका है वहाँ से एपिडर्मल सेल्स, है ना, जो कि बहुत ही फाइन और डेलिकेट होती है, थर्ड लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर भी कह सकते हैं उनको, वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये रूट हेयर क्या करते हैं, यही एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं फाइनली, जो मैच्योर हो जाते हैं। अब रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़ लेते हैं कुछ। रूट इन सम प्लांट्स चेंज इज शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कनेक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो ये किन फंक्शंस के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को, फूड प्रोवाइड करने के लिए, और रेस्पिरेशन भी काम भी करती हैं ये कई बार मॉडिफाई होके, ठीक। अब टैप रूट्स जैसे कि कैरेट होती है, गाजर, टर्निप, शलजम, है ना, और एडवेंटिशियस रूट जैसे कि स्वीट पोटैटो, तो ये क्या होती है, स्वोलन हो जाती हैं और स्टोर फूड, तो ये मोटी हो जाएंगी, है ना, और इसके अंदर फूड, कैरेट के अंदर क्या होता है, ये खाते हैं ना कैरेट को, तो ये एक तरह से फूड की तरह ही एक्ट कर रहा है, कैरेट है, टर्निप है, है ना, शलजम, और ये पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो होता है ना, तो इसको खाते हैं डायरेक्टली, ये रूट रूट ही होती हैं एक तरह से, तो ये एडवेंटिशियस रूट का पार्ट है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बैनियन ट्री आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। तो ये जो बैनियन ट्री होता है इसके अंदर जो रस्सी टाइप की लटकी होती है ना, इसको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं, ये भी एक जो रूट का ही मॉडिफिकेशन है। फिर जो मेज़, जो मक्का होता है उसकी जो स्टेम्स होती हैं, और जो शुगर केन होती है उसमें भी सपोर्टिंग रूट्स होती हैं जो कि नीचे से आती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट्स। जैसे बैनियन में प्रॉप रूट्स हैं वैसे इसमें मेज़ और शुगर केन में स्टिल्ट रूट्स होती हैं। और कुछ प्लांट्स होता है राइजोफोरा, जो कि स्वैम्पी एरियाज में, स्वैम्पी मतलब है कि दलदल जैसा, है ना, आधा पानी वहाँ पर हो, मिट्टी हो, तो स्वैम्पी एरियाज में रूट्स जो हैं बाहर आते हैं ग्राउंड से और वो वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करती हैं, तो उसको कहते हैं नोमेटोफोर्स, ठीक है ना, और जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं नोमेटोफोर्स जो हैं। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है, एस्फेरेगस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ठीक है ना, अलग अलग इनके फंक्शन है, स्टोरेज, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आज यहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टेम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।